तीन प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव गांव में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। और यही नहीं, आज यहां पर बेटी के जन्म लेने, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की, प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई। और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये संगम नगरी है, मां गंगा, मां यमुना और माता सरस्वती का संगम यहां पर होता है और नारी गरिमा की प्रतीक हमारी प्रदेश भर के आने वाली माताएं भी आज संगम नगरी में इन बहनों के भारी महाकुंभ के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके इस आयोजन के लिए, आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।